तो यहाँ पर देखो हम डिस्कस करेंगे आज जो हमने सेल करी थी, अगर वो रिटर्न हो जाए तो उसके एंट्री आपको कैसे डालेंगे। तो सेल रिटर्न डालने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है कहाँ पर, सेल रिटर्न के अंदर सिंपल वही जैसे आपने सेल करी है, आपको क्या डालना है, डेट डालनी है 22-20 तारीख, और पार्टी का नाम क्या दिया गया है, मोहित, कॉम्प्लेक्स वाउचर नंबर क्या दिया गया आपको, आर, ठीक है। उसके बाद डेट आपने जो परचेस किया था वही आप वापसी कर देंगे, सेल किया था जो आपने, एक्सियोमी मैक्स प्राइम, कितनी क्वांटिटी आपने कहा, एक क्वांटिटी रेट 20,995, और लास्ट में क्या है, वीवो 55, ये है आपका कितना, ये भी आपने एक वापसी कर दिया, डेट छोड़ा जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेल रिटर्न, सिंपल जैसे सेल क्या है, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, सिंपल वैसे होंगी जैसे हम अभी पहले किया हमने आपका, ठीक है। उसके बाद कैश बुक आप लोगों ने कर ली सारी, रिसीव पेमेंट की सारी एंट्री डाल ली सभी ने, सचिन ने डाली ना, यहाँ पर देखो दोबारा, सबसे पहले क्या दिया गया आपको यहाँ पर, सबसे पहले आपको दिया गया यहाँ पर क्या, हनी फैशनिंग मोबाइल 1,000 रुपये के आपने इसको पेमेंट कर दिया यहाँ पर। तो पेमेंट करिए तो क्या करेंगे आप, पेमेंट वाउचर में आएंगे, ऐड करेंगे, डेट क्या दी गई आपको यहाँ पर, ले जाओ ले जाओ, 10/4, तो यहाँ पर डाल देंगे आपके हनी फैशनिंग मोबाइल, कितना अमाउंट है आपका, 1,000 है तो 1,000 डालेंगे, और क्या दिया गया आपने, कैश है तो सिंपल कैश डाल देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फिर आपको दिया गया मोहित कॉम्प्लेक्स 5,000, यहाँ पर डाला आपने एंट्री किया मोहित कॉम्प्लेक्स, कितने की एंट्री डाल दी आपने, सॉरी ये रिसिप्ट ले लिया आपने, तो आप 6 करोगे, रिसिप्ट में आओगे कितना है, 5,000 क्या ले लिया आपने, कैश ले लिया आपने, तो कैश डाल दोगे। उसके बाद फिर क्या है आपका, केके कंप्यूटर से आपने क्या कर दिया, 10,000 की पेमेंट कर दी, तो F6 बटन दबाओगे यहाँ पर, बिजी के अंदर पेमेंट, केके कंप्यूटर 10,000 की आपने क्या करा, पेमेंट कर दी, क्या कैश दे दिया आपने। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसके बाद फिर आपने ताज मोबाइल को क्या ले ली, ताज मोबाइल से रिसिप्ट ले ली यहाँ पर, तो यहाँ पर आप डाल देंगे ताज मोबाइल, F6 बटन दबाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ताज मोबाइल, कितना अमाउंट ये दिया गया यहाँ पर आपको, ताज मोबाइल का दिया गया आपको 3,750, क्या क्या ले लिया आपने, कैश ले लिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, सैलरी देखो रिसिप्ट में दी गई, जबकि सैलरी हम क्या करते हैं, देते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर, F6 बटन दबाएंगे और पेमेंट कर देंगे, किसकी, सैलरी की, कितनी सैलरी हमने, 8,090 रुपये, क्या दे दिया हमने यहाँ पर, कैश दे दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फिर आपको दिया गया मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं मालूम है आप लोगों को, छोटे मोटे खर्चे, वो सभी क्या कहलाते हैं आपके, मिसलिनियस एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका अकाउंट अभी नहीं चल रहा था, बंद करके दोबारा चालू कर लो, इधर बैठ जाओ, इधर सिस्टम खाली है, इधर कर लो, विनोद के साथ कर लो। मिसलिनियस एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, छोटे मोटे खर्चे, कितने हो गए, 1,000 रुपये के, और आपने क्या डाल दिया, कैश, चाय पानी का जो भी हो गया, ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, उसके बाद दिया गया इंडिया हाउजरी, आपने कितनी की पेमेंट कर दी, 400 की पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर डाल दोगे आप क्या, आपने डाल दिया यहाँ पर इंडिया हाउजरी 400 की, आपने इसको पेमेंट कर दी है, क्या कर दिया है, कैश दे दिया है। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया जगजीत गारमेंट को आपने क्या ले लिया, 1,000 रुपये की रिसिप्ट ले ली, तो F6 बटन दबाया आपने, यहाँ पर नाम डाल दिया जगजीत गारमेंट, कितना अमाउंट है यहाँ पर,
10,000, तो 10,000 डाल दिया आपने, क्या डाल दिया आपने, कैश डाल दिया। उसके बाद फिर क्या, ऑफिस रेंट 38,000 रुपये, F6 बटन दबाया आपने, यहाँ डाल दिया आपने ऑफिस रेंट 38,000 रुपये, क्या डाल दिया आपने, कैश डाल दिया। उसके बाद फिर क्या डाल दिया आपने, हनी फैशनिंग, तो आपने यहाँ पर डाल दी डेट हनी फैशनिंग, कितने का अमाउंट है यहाँ पर, 80,000, 80,000 डाल दिया आपने। और उसके बाद क्या डाल दिया आपने, कैश डाल दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, सैमसंग गैलेक्सी 290 नहीं डालनी है आपको। फिर दिया गया आपको जिया ट्रेडर्स को, आपने कितने की पेमेंट कर दी, 60,000 की फी, ऑफिस रेंट पेड कर दिया, मिसलिनियस एक्सपेंस हो गया, सैलरी दे दी, मोहित को पेड कर दिया, ये सब पेमेंट है, ये दोनों आपकी लास्ट में रिसिप्ट, सिंपल वैसे रिसिप्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद आपको बनानी है बैंक बुक। अब ये बैंक बुक क्या है, आपकी वो सभी ट्रांजेक्शन्स या आपका वो सभी लेन देन जो आपने बैंक के थ्रू किया है, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका बैंक बुक, ठीक है। वो सभी ट्रांजेक्शन या वो सभी लेन देन जो भी हमने बैंक के द्वारा किया है, ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा बैंक बुक। अब इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, पहली एंट्री यहाँ पर याद रखो, याद रखना, जब भी आप बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट करेंगे, बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे, या अपने किसी बैंक अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट जमा करेंगे, तो उसकी एंट्री आप पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से। कैसे पास करेंगे आप, कॉन्ट्रा वाउचर से। जब भी आपने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया, बैंक से कैश विड्रॉ किया, या फिर आपने अपने किसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा करवाया, या आपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांसफ़र किया, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से। अपने बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके एंट्री हम कहाँ से पास करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के द्वारा ही हम उसकी एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने F6 बटन दबाया, उसकी एंट्री आपने कहाँ से पास कर दी, कॉन्ट्रा से, क्या, कैश, तो आपने यहाँ पर डेट डाल दी, किसके अंदर, बैंक के अंदर, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, F3 बटन दबाओगे, यहाँ लिख दोगे आप PNB बैंक अकाउंट, और ग्रुप के अंदर बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आपने का, 15,000 रुपये, क्या जमा कराए आपने का, कैश जमा कराए, और यहाँ पर क्या नाम डाल दोगे, कैश, और सेव कर दोगे इसको। फिर उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद क्या, इंडिया हौजरी, इंडिया हौजरी से आपने क्या किया, NEFT ले ली यहाँ पर। अब देखो NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और एक होता है आपका RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT क्या है आपका, जब भी आपने 2,00,000 से कम की पेमेंट करी है किसी को, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, उसके लिए यूज़ किया जाएगा NEFT का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS जब भी आपने 2,00,000 से ज़्यादा की किसी को पेमेंट करी है, या किसी ने आपको 2,00,000 से ज़्यादा की पेमेंट करी है, तो वो RTGS के द्वारा ही की जाती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या फुल फॉर्म है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब जब भी हम बैंक बुक बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बिजी के अंदर कुछ ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। कौन से ऑप्शन ऑन करने हैं, आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आप आएंगे फीचर ऑप्शंस के अंदर, और आप आएंगे अकाउंट्स के अंदर, और आप एक बैंक रिकन्सिलेशन, और एक इस वाले ऑप्शन को चालू कर लेंगे, मेंटेन बैंक इंस्टॉलमेंट डिटेल, इस वाले ऑप्शन को बंद रखें, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आप, पहली एंट्री आपने डाल दी, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आपने इंडिया हौजरी से क्या ले लिया यहाँ पर, 6,000 की ट्रांसफ़र आ गई आपके पास। याद रखना, जो डिपॉजिट है वो आपका रिसिप्ट होगा, और जो आपका विड्रॉ है वो आपका पेमेंट होगा, किसको छोड़कर, कैश को छोड़कर। कैश है तो कॉन्ट्रा वाउचर, कैश है तो कॉन्ट्रा वाउचर, बाकी उसके अलावा कुछ भी है तो वो रिसिप्ट और पेमेंट। विड्रॉ है तो पेमेंट है, और डिपॉजिट है तो क्या डालेंगे यहाँ पर आप, यहाँ पर आप डाल देंगे रिसिप्ट। डिपॉजिट है
तो रिसिप्ट है और विड्रो है, तो ये आपका क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा आपका। अब सबसे पहले कह लिया आपने इंडिया हाउजरी से NEFT आ गई आपके पास कितने की, 6000 की। तो इंडिया हाउजरी वाला आपने अमाउंट 6000 डाल दी और क्या है आपका NEFT, तो यहाँ पर NEFT डाल दो किससे, बैंक के अंदर। फिर उसके बाद क्या दिया गया आपको, फिर आपने क्या किया, किसी कंप्यूटर से आ गया आपके पास कितना अमाउंट, 1840। तो केके कंप्यूटर 1840 क्या है आपका, ट्रांसफर रहेगा आपके बैंक के अंदर। उसके बाद क्या दिया गया आपको, फिर आपने क्या किया, कोमल टीसी से एक चेक ले लिया कितने का, 5000 रुपये का। तो आप डाल दिया कोमल, कितने का चेक है, 5000 का चेक है, चेक नंबर ये आएगा किसके अंदर, आपने कहा बैंक के अंदर। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फिर आपने ताज मोबाइल से ले लिया 5180, तो डाल दिया ताज मोबाइल 5180, मेंशन नहीं किया गया कुछ भी, तो आप यहाँ पर NA कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फिर जगजीत गारमेंट से विड्रॉ 8000 रुपये, यानी कि आपने उसको पेमेंट कर दी, किसको, जगजीत गारमेंट को पेमेंट करिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, F6 बटन दबाएंगे, पेमेंट में आएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे जगजीत गारमेंट, कितने की पेमेंट कर दी आपने यहाँ पर इसको, 8000 की, तो 8000 डाल देंगे यहाँ पर आप, और कैसे, बैंक के थ्रू, तो बैंक डाल देंगे यहाँ पर आप। उसके बाद फिर क्या कर दिया आपने यहाँ पर, फिर इंटरेस्ट रिसीव हो गया आपको 8000 रुपये, यानी कि जो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा है उस पर क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने आपको। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप, यहाँ पर डेट डालेंगे आप क्या, F6 बटन दबाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे आप क्या, इंटरेस्ट, F6 से बना लेंगे आप यहाँ पर इंटरेस्ट, और यहाँ पर हम डालेंगे इसके ग्रुप के अंदर इनकम इनडायरेक्ट, क्या डाल देंगे इसके ग्रुप के अंदर, इसके ग्रुप के अंदर हम डाल देंगे इनकम इनडायरेक्ट, क्या डाल देंगे इसके ग्रुप के अंदर, हम इसके ग्रुप के अंदर हम डाल देंगे इनकम इनडायरेक्ट, और इसको F2 से हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अमाउंट कितना है, हमने कहा 8000 रुपये अमाउंट है, और बैंक के अंदर हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पर, ठीक है, क्या मिल गया बैंक के अंदर हमें यहाँ पर, इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर कह रहा है कि आपने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कर दिया कितना, 6000 रुपये। अब जब कैश की बात आएगी तो उसके अंदर हम कहाँ से पास करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर से। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम आएंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, F6 बटन दबाएंगे कॉन्ट्रा, और यहाँ पर क्या डालेंगे, हमने कहा बैंक के अंदर हमने क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया कितना, याद रखना जब भी बैंक के अंदर आप कैश डिपॉजिट करोगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और अगर बैंक से कैश विड्रॉ कर लोगे निकाल लोगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। डी का मतलब डेबिट, सी का मतलब क्रेडिट। तो कितना जमा करा आपने, आपने कहा 6000 रुपये जमा किए, और क्या जमा किया आपने, आपने कहा कैश जमा किया बैंक के अंदर। उसके बाद क्या दिया गया आपको, उसके बाद कह रहा है कि क्या आपने 2000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो क्या आ जाएगा आपका, कैश डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो क्या कहता है, चेक रिटर्न हो गया आपका, चेक नंबर ये है, और चेक था आपका 5000 का, ये चेक नंबर किसका है, कोमल डीसी का। कह रहा है कोमल डीसी जो आपने चेक रिसीव किया था, लिया था, वो बैंक के अंदर रिटर्न हो गया, या तो उसके अंदर पैसे नहीं, या फिर कोई भी रीज़न हो जिससे वो रिटर्न हो गया, चेक रिटर्न हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, वापसी आ गई, और आपने क्या करा, वो चेक कोमल डीसी को दे दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पहले लिया था रिसिप्ट, अब वो चेक रिटर्न हो गया, तो उसके अंदर हम कैसे डालेंगे, F6 बटन दबाओ, हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, पहले लिया था, अब क्या कर देंगे यहाँ पर, वापसी दे देंगे। तो क्या कर दिया हमने, वापसी दे दिया,
पेमेंट कर दिया 30,450 की, और यहाँ पर डाल दिया हमने बैंक अकाउंट, और नीचे नेशन में लिख देंगे बीइंग चेक रिटर्न। क्या हो गया हमारे यहाँ पर, चेक रिटर्न हो गया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, उसके बाद कह रहा है कि चेक रिडिपॉजिट। फिर उसके अकाउंट के अंदर पैसा आ गया, उसने कहा कि अब अपने चेक को क्या कर दो, रिडिपॉजिट कर दो। कितने रुपए आपने कहा, 5,000 का चेक था, तो आपने दोबारा क्या ले लिया यहाँ पर, F6 बटन दबाया, क्या नाम डाला कोमल DC 5,000, और क्या हो गया आपका बैंक, यहाँ पर क्या डाल दिया आपने बी चेक रिडिपॉजिट। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, फिर वही आपको बोला गया कि आपने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया और बैंक से कैश निकाल लिया, तो आपने यहाँ पर डेट डाल दी। बैंक के अंदर 8,000 जमा किए और फिर 22,000 की रेट में 2,000 निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैंक बुक और कैश बुक। आज हमने यार ट्रेडिंग कंपनी के अंदर बैंक बुक और कैश बुक दोनों ही डिस्कस कर लिया। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर, नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। किसका प्रिंट निकालेंगे, बैंक बुक का प्रिंट निकालने के लिए ऑल्टर करो, ऑल्टर करना है और यहाँ पर नाम डाल दो बैंक का और फिर F2 बटन दबा दो। प्रिंट निकालना है तो Alt-P बटन दबाएंगे, Alt-P से सब P का प्रिंट निकलेगा, जो भी प्रिंट निकालना है आप ओके करोगे, यहाँ पर ये कर दोगे तो आपका ये प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका प्रिंट निकल गया जाएगा आप इस तरह से, तो ये आपको करना है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अपने सिस्टम में बैठ जाओ और इस काम को कंटिन्यू करो।